केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान टिड्डी दल की समस्या को लेकर मंत्री चौधरी ने कहा कि टिड्डी नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरीके से तैयार है, इसकी किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका ने मंत्री कैलाश चौधरी से की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, हम उनसे बात करेंगे। सर, कोरोना महामारी के बीच में एक बड़ी समस्या आई है, वो है टिड्डी की। पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके थे उनसे बढ़कर अब पूरे प्रदेश में टिड्डियों का आतंक देखने को मिल रहा है। खरीफ की फसल का समय आ रहा है बुआई का, और वैसे में एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या और एक बड़ी टेंशन किसानों के लिए बन गई है। केंद्र सरकार इस समस्या से निपटने की क्या तैयारी कर रही है और क्या कुछ कदम उठाए? टिड्डी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत में आती है, और पिछले साल भी आई थी तो उसको हमने नियंत्रित कर लिया था, और अभी भी जिस तरह से टिड्डी आई है तो इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। इसकी हमें पहले से ही जानकारी थी एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार कि जो टिड्डी पिछले साल आई थी उससे 2.5-3 गुना इस बार अधिक आ सकती है, तो इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली। और भारत सरकार के द्वारा जो राजस्थान के अंदर ये टिड्डी प्रवेश करती है तो राजस्थान की सरकार को हमने लगभग 14 करोड़ रुपए RKVY योजना के अंदर स्वीकृत किए, और हमने ड्रोन से टेंडर करवा दिया। ड्रोन से भी छिड़काव होगा जिससे कि टिड्डी को उससे नियंत्रित किया जा सके, और इसके अलावा हमने ट्रैक्टर से स्प्रे या टैंकर से स्प्रे करने के लिए भी परमिशन जारी की है, और लगभग 800 ट्रैक्टर की हमने वहाँ से परमिशन जारी करके और राजस्थान सरकार को कहा है। और इसके अलावा भी अगर और पेशों की आवश्यकता होगी तो भी भारत सरकार है वो इस टिड्डी को नियंत्रित करने के लिए जहाँ भी आवश्यकता होगी तो उसकी हमने पूरी छूट दे रखी है, जो कि आने वाले टाइम के अंदर इससे नियंत्रित कर सकेंगे। सीएम गहलोत कह रहे हैं कि टिड्डी नियंत्रण जो चेतावनी संगठन है वो केंद्र के अधीन आता है, ऐसे में उसको थोड़ा मजबूत बनाया जाए क्योंकि बड़ी समस्या बनती जा रही है, लगातार फैलता जा रहा है, किस प्रकार से उसको मजबूत बनाया जा रहा है? ऐसा है कि पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टिड्डी की समस्या का समाधान करना दोनों सरकारों की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। ये 1951 का एक्ट है जिसको अशोक जी गहलोत को पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या सिर्फ एक केंद्र की जिम्मेवारी है, ये दोनों सरकारों की जिम्मेवारी है और इसको अपन को निर्वहन करना है। और जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर भारत सरकार के कर्मी छिड़काव करते हैं, और जहाँ पर एग्रीकल्चर ज़मीन है वहाँ पर राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने सब जगह भारत सरकार के कर्मचारी वो कर रहे हैं, और इसको मजबूत करने के लिए अगर आपने जैसा बात की है तो हमने नई 50 यूटिलिटी गाड़ियां हैं जो उसके खरीदने के आदेश जारी कर दिए हैं, जल्दी वो नई गाड़ियां भी आ जाएगी 55 गाड़ी है। और इसके अलावा हेलीकॉप्टर से भी छिड़काव हो उसकी भी हमने खरीद करने के लिए माइक्रोनियर कंपनी है UK की, उसको हमने आदेश वहाँ के जारी कर दिए हैं। और इसके साथ ही 60 नई मशीनें वो भी UK से माइक्रोनियर कंपनी से आनी है, तो उसके भी अगले महीने के फर्स्ट वीक के अंदर वो भी आ जाएगी। तो इसके जो भी मजबूती के लिए और आवश्यकता होगी इस टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए तो इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है, और अभी हमने कल ही मीटिंग की है। ऐसे जो प्लान है प्लान से भी हम हवाई छिड़काव करके भी टिड्डी को ख़त्म करें, तो इसके लिए कल हमारी मीटिंग हुई है जिसमें ऐसी कई प्लान जो हैं वो हमारे तैयार हुए हैं, उनसे भी बात कर ली है। तो आने वाली जो टिड्डी का दल, जो आगे हमें जिस तरह से अंदेशा है कि वो टिड्डी का दल पाकिस्तान में जिसकी ब्रीडिंग हुई है वो आ सकती है, तो उसको भी कंट्रोल करने की हमने पूरी तैयारी करी है। तो आगे मैं तो ये कह सकता हूँ कि किसानों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, वो किसानों के लिए जहाँ भी जितना भी आवश्यकता होगी तो उसको किस तरह से टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए हर संसाधन की जहाँ से भी लाना पड़ेगा तो उसको लाएंगे, और हमने पर्याप्त व्यवस्था भी कर ली है और पेस्टिसाइड की भी कोई कमी नहीं है जिससे भी छिड़काव को टिड्डी को ख़त्म कर सके। मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, लेकिन माना जाता है कि अर्थव्यवस्था को मजबूती में कृषि का बड़ा रोल होता है। मोदी सरकार जब से 2014 में जब से BJP की सरकार आई मोदी जी के नेतृत्व में, कहा जा रहा था कि किसानों की आय को दोगुनी की जाए, कितनी आय दोगुनी हो पाई है या नहीं, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को किस प्रकार से मदद केंद्र सरकार करेगी? आत्मनिर्भर भारत और ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना है उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार
निरंतर प्रयास कर रही है और 2022 तक किसानों की जो इनकम डबल करना है तो उसको हम निश्चित रूप से समय पर पूरा करेंगे, क्योंकि जिस समय ये तय हुआ था उस समय 6040 रुपये किसान की इनकम को माना था और जो अभी तक लगभग 9000 और कुछ रुपए ऊपर पहुंच गई इनकम है जो, और इसको आगे जाकर इसको डबल करना है तो वो हम पूरा करेंगे। और इसके साथ ही रही बात इसके लिए किसानों को मजबूत करना है, तो किसानों के लिए जो भी आज अगर पैकेज की घोषणा हुई है इस लॉकडाउन के दौरान तो उससे भी किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। और इसके साथ ही जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या और जो अपने जैविक खेती है उसको बढ़ावा देना और प्रोसेसिंग यूनिट स्वयं किसान लगाएगा, तो इसके लिए सरकार की ओर से हमने पैकेज की घोषणा की है और कई ऐसी योजनाएं बनाई है कि खुद प्रोसेसिंग करे उसके लिए उसमें कैसे सब्सिडी मिलेगी और एफपीओ बनेंगे 10,000, तो 10,000 एफपीओ से जो किसान अपना खुद का उत्पादन करके उसकी प्रोसेसिंग करके और खुद बेचेगा तो किसान खुद रेट तय करेगा। आज तक जो आया है उसमें किसान खुद रेट तय नहीं करता, मंडी में कोई व्यापारी तय करता था, लेकिन आने वाले टाइम में किसान को व्यापारी बनाना है और किसान अपने उत्पादन को चाहे वो देश के अंदर बेचे चाहे वो विदेश के अंदर एक्सपोर्ट करें, तो इसके लिए हम रणनीति बना रहे हैं। और अन्य जो भी मंत्रालय हैं जो कृषि से रिलेटेड है वो सबका हमारा एक ग्रुप बनाया और उसके अंदर हम सब मिलकर किसान को किस तरह से मजबूत करें इसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जिनका कहना है कि टिड्डी नियंत्रण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से गंभीर है और खरीफ की बुआई के समय से पहले ही टिड्डी की समस्या को पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ मिंटू सिंह नेहरू का एवं टीवी जयपुर।